दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के कल्पकम में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR के कोर यानी कैलेंड्रिया में थोरियम 232 बेस्ट फ्यूल की लोडिंग करके भारत थोरियम बेस्ट रिएक्टर डेवलप करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दोस्तों, लेजेंडरी साइंटिस्ट होमी जागीर बाबा ने भारत में यूरेनियम की कमी देखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। भारत के लगभग सभी रिएक्टर्स फर्स्ट स्टेज में है, जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PSWR में नेचुरल यूरेनियम यानी यूरेनियम 238 का फ्यूल के रूप में यूज करके एनर्जी पैदा की जाती है। इस स्टेज में 95% यूरेनियम 238 ट्रांसमिट होकर प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। प्लूटोनियम 239 एक हाईली रेडियोएक्टिव वेस्ट है, जिसका उपयोग न्यूक्लियर वेपन बनाने में भी किया जाता है। सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में फर्स्ट स्टेज के वेस्ट प्लूटोनियम के साथ यूरेनियम 238 और थोरियम 232 का फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। इस स्टेज में थोरियम 232 एक न्यूट्रॉन जोड़कर यूरेनियम 233 में ट्रांसमिट हो जाता है। यही यूरेनियम 233 थर्ड स्टेज में थोरियम के साथ फ्यूल बनता है। भारत ने अभी सेकंड स्टेज के लिए स्वदेशी तकनीक से एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर थोरियम फ्यूल की लोडिंग की है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको ब्रीडर रिएक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ही रेडियोएक्टिव वेस्ट से अपने फ्यूल की ब्रीडिंग करता रहता है, यानी थोरियम और यूरेनियम का लगातार उपयोग चलता रहता है। दोस्तों, थोरियम यूरेनियम 238 से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और विश्व में सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। थोरियम से बने यूरेनियम 233 के विखंडन से जिनोन और स्ट्रोंशियम, जो बहुत ही कम समय तक रेडियोएक्टिव रहते हैं, बनते हैं। इससे रेडियोएक्टिव वेस्ट कम होता है और इनसे न्यूक्लियर वेपन भी नहीं बनाए जा सकते हैं। इस तकनीक की वजह से भारत का विदेशों से यूरेनियम इम्पोर्ट कम हो जाएगा और भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये ट्रू सेंस में भारत के न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने और विकसित भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की ओर एक सशक्त कदम है।